नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कोच अपेडू। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल हमने दो चीज़ देखा था, क्वांटिटेटिव का डेमो आपने देख लिया और कॉन्स्टिट्यूशन का डेमो आपने देख लिया। अब उसके हिसाब से अपने को आज तीसरा डेमो देखना है, वो है हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री अपन चालू करते हैं। देखिए, मैं आपको शुरू से आखिरी तक एक ही चीज बता रहा हूँ कि ये जो है लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप इस लॉकडाउन के टाइम पे जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि देखिए क्या है, दो टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे। पहला वो जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे टिकटॉक चला के, नेट चला के, न्यूज वगैरह जो फालतू रहते हैं उसको सुन के। जो काम की न्यूज है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो फालतू न्यूज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक ऐसे होते हैं जो बैठ के सिर्फ पढ़ते रहते हैं, जो काम की न्यूज़ है उनको देख रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो दूसरे टाइप के लोग हैं ना, आपको ये बनना है। आपको ये लोग जो रहते हैं वो आगे निकल जाएंगे, और जो पहले लोग रहेंगे ना एग्जाम में, वो बस बैठे के बैठे रह जाएंगे। ठीक है, वो सिर्फ नाम, जैसे 10 लाख लोग अप्लाई किए, उतने में जो आते हैं ना, बस वो बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन हिस्ट्री चालू करते हैं। हिस्ट्री में मैं आपको शुरू करना चाहूंगा रेगुलेटिंग एक्ट जो रहता है उससे, 1773 का, जो अपन मॉडर्न इंडिया में जो मेन चीज रहते हैं, जो कोचिंग सेंटर वाले आपको पढ़ाते हैं, और क्या चीज आपको जानना चाहिए और वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सब चीज मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। जो पहला चीज अपने को जानने वाली है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इस पे अपने को क्या चीज जानना है। ठीक है, आज तक क्या होता था, मतलब आज, मतलब 1773 तक क्या होता था कि जो तीन प्रेसिडेंसीज हमारी थी, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये हो जाती थी अपनी एक ठो बंगाल प्रेसिडेंसी, ये इधर नीचे में थी मद्रास प्रेसिडेंसी, और यहाँ पे एक ठो थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इन हर प्रेसिडेंसीज का, मतलब रियायत बोलिए एक तरीके से, वहां पे सबका अपना अपना गवर्नर होता था। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही थी। क्या होता है कि इसको भी रेगुलेट करो आप, इसको भी रेगुलेट करो, इसको भी रेगुलेट करो, तो वो चीज उनसे थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ये तीनों गवर्नर जनरल को इनके अंडर में डाल दिया, ये बंगाल के। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको पहला पॉइंट ये लिख देता हूं, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, ठीक है, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। आई थिंक यहां तक सबको आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या हो गया, ये जो हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सबसे हेड हो गए, और उसके बाद वो लोग जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, ये लोग इनके अंडर में आ गए। अब क्या, कंपनी को क्या करना था, कंपनी को सिर्फ इनको रेगुलेट करना था, ये अपने नीचे के सारे काम को रेगुलेट करते। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुई थी, दूसरी चीज हुई थी कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इनके साथ एक 4 मेंबर की काउंसिल को बना दिया गया था। 4 मेंबर काउंसिल बनी थी, ये हो गई काउंसिल। ठीक है, अब एक चीज हुआ था, जो पहले गवर्नर जनरल अपने बंगाल के थे, मैं उसको भी लिख देता हूँ, उनका नाम था वॉरन हेस्टिंग्स। उनका नाम था वॉरन हेस्टिंग्स। तो मैं पहले गवर्नर जनरल का लिख देता हूँ, वॉरन हेस्टिंग्स। आई थिंक शायद आपको दिख रहा होगा क्लियरली, तो इनका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, यहां तक अपने को आई थिंक सब चीज क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी बात ये आती थी कि जो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इनके द्वारा बनाए गए जो भी प्रोविजंस थे वो कभी भी लागू नहीं हो पाते थे। उसका एक रीजन था, क्या हो गया कि ये जो 4 मेंबर की जो काउंसिल बनी हुई थी गवर्नर जनरल के साथ में, मतलब ये टोटल मेंबर हो जाते हैं अपने, कहाँ लिखूं, अपने टोटल मेंबर हो जाते हैं 5। ठीक है, तो कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको चाहिए थी मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब आती 3/5 से, मतलब 5 में से कम 3 लोग को राजी होना चाहिए था यहाँ पे। आई थिंक यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता था कि चार चार जो मेंबर्स थे,
उसमें से तीन लोग हमेशा गवर्नर जनरल से खफा रहते थे, उनसे नाराज रहते थे। ठीक है, तो ये जो शुरू के तीन मेंबर्स थे, ये लोग हमेशा जो भी लॉ आता था, जो भी आता था, उसको ये लोग हमेशा नेगलेक्ट कर देते थे, इग्नोर कर देते थे और ना बोल देते थे, नहीं ये चीज लागू नहीं हो सकती। तो क्या है, तीन लोगों ने मना कर दिया, गवर्नर जनरल और चलो एक जन और ने भी साथ दे दिया, तो भी लॉ पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास क्या आ रही है, 2/5 आ रही है, इनकी मेजोरिटी नहीं आ रही है। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती थी, इसलिए इनके जो वॉरेन हेस्टिंग्स जी है, उनके बहुत सारे लॉज यहाँ पे लागू नहीं हो पाए थे। सबसे बड़ा रीजन यही था। ठीक है, आपको यहाँ तो मेरे ख्याल से सब चीज समझ में आ गया होगा। इसमें एक और चीज हुआ था, इसमें एक और चीज हुआ था कि तीसरा पॉइंट अगर अपन देखते हैं, तो तीसरा पॉइंट अपना ये था कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, कैलकटा में एक सुप्रीम कोर्ट को कैलकटा में स्टैब्लिश किया गया था। अब इसको स्टैब्लिश करने का रीजन क्या था, क्या होता था कि जो राजा महाराजा लोग का जो टाइम था उस टाइम पे क्या होता था कि जो यूरोपियन लोगों ने अगर कुछ गलती की है, जैसे यूरोपियन लोग कोई भी एक इंसान मान लीजिए ये यूरोपियन हो गया, ठीक है, तो ये अगर कुछ गलती करता है तो इसको सजा देना, इसकी सुनवाई करना, वो कहाँ पे होता था, राजा के दरबार में होता था। ठीक है, तो मतलब ये था कि ये जो यूरोपियन लोग हैं, ये लोग समझते थे हम लोग सबसे ऊपर है, हम किसी राजा के दरबार में उनकी सजा क्यों लेंगे। इस चीज को हटाने के लिए ही ये सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ताकि जो यूरोपियन लोग जो थे उनकी सुनवाई हो, उनका फैसला हो, उनकी जो सजा हो वो यूरोपियन जज लोग करें। ठीक है, वो यूरोपियन जज लोग करें और उनके अपने आदमी लोग उस चीज की सुनवाई करे और जो भी सजा देना है वो करना। इससे क्या हो रहा था, इनका पूरा एक अलग सेपरेट सिस्टम बन जा रहा था और वो राजा महाराजा लोग का अलग से सिस्टम बन जा रहा था। तो ये जो हमारे प्रोविजंस थे, जो मेन आपको जानना चाहिए था, और ऐसा क्यों हुआ था, कंपनी ने कड़ाई मतलब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था किस लिए आया था, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आपको जो इसमें बताना था वो ये चीज था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें, ये सॉरी नंबर वन था ये, हाँ उसमें एक और चीज ये था, मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो अपने 4 मेंबर की कमिटी के साथ कोई भी डिसीजन लेते थे। तो ठीक है, ये 4 मेंबर कमिटी जो थी वो कहाँ से आती थी, वो आती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, 4 मेंबर कमेटी जो काउंसिल की थी वो आती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से चुन के। अब दूसरी बात आती है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो कहाँ से आते थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्योंकि इंडिया में थे वो आते थे कंपनी से। ठीक है, वो आते थे कंपनी से। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो अगला अपन पढ़ने वाले हैं 1784 का एक्ट, उसमें ये चीज चेंज होने वाला है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। धीरे से अपन आगे बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। जो अपना अगला एक्ट होता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। उसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड अगर अपन देखेंगे तो सेकंड अपना आता है पिट्स इंडिया एक्ट का। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो चीज हुआ था वो तो सबसे पहला चीज तो ये हुआ था इसमें कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर्स थे, ठीक है, काउंसिल के 4 को चेंज करके क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। अब ये 3 क्यों किया गया, ये चीज आपको समझना पड़ेगा।
क्या हो रहा था इससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी के लिए 3/5 चाहिए था, ठीक है। अब क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 4 से हो गए हैं 3, तो टोटल मेंबर्स की संख्या हो जाती है 4, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा सब चीज। टोटल मेंबर्स जो हो जाते हैं 4, एक ये और 3 ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मेजोरिटी के लिए इनको कितना चाहिए, अभी भी इनको मेजोरिटी के लिए चाहिए कितना, 3/4, ठीक है। अब 3/4 चाहिए था, तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसमें क्या होता था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ यहाँ बताता हूँ आपको मैं। गवर्नर जनरल एक मेंबर हो गया प्लस 3 मेंबर्स यहाँ हो गए, ठीक है। मतलब ये 3 मेंबर्स में से कोई एक भी गवर्नर जनरल का साथ दे दिया, तो इनके पास कितने हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 2 2 वोट्स यहाँ पे हो गए। मतलब यस के लिए 2 मेंबर्स 2 वोट्स हो गए और नो के लिए 2 वोट्स हो गए। तो इस केस पे क्या होता था, गवर्नर जनरल के पास एक कास्टिंग वोट होता था, ठीक है। टाई के दौरान गवर्नर जनरल के पास एक तो कास्टिंग वोट होता था, तो गवर्नर जनरल अपने तरफ से एक और वोट डाल देता था। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, 3 यहाँ हो जाता था और टोटल के हिसाब से 4 यहाँ, तो इनको मिल जाती थी मेजोरिटी। यही रीजन था कि ये जो गवर्नर जनरल के जो 4 मेंबर सदस्य थे उसको कम करके 3 किया गया था, ठीक है। दूसरी चेंज जो यहाँ पे की गई थी वो भी आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे प्लस 3 मेंबर हो गए, ठीक है। अभी 3 मेंबर कहाँ से आने वाले थे, ये आ जाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट से आते थे। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये कहाँ से आते थे, ये आते थे हमारे कंपनी से, ठीक है। अब क्या होता था कि ये 3 मेंबर्स को जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें इन 3 मेंबर्स को वापस बुलाने का मतलब राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल जो था वो पार्लियामेंट के पास था। इन 3 मेंबर्स को वो बुला सकते थे, लेकिन 1773 तक ये गवर्नर जनरल को नहीं बुला सकते थे। लेकिन 1784 के जो एक्ट है उसमें ये प्रोविजन डाला गया, ये 3 मेंबर्स तो जाएंगे ही, ये गवर्नर जनरल को भी वो वापस बुला सकते हैं। ये चेंजेस हुए थे, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। मैंने आपको हर चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दी है, ठीक है। ये था हमारा 1784 का एक्ट, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो आता है 1813 का एक्ट। तो अगली चीज जो हमको देखनी थी वो है 1813 का एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। आपने यहाँ पे अभी तक देखा कि कंपनी का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता जा रहा था। बढ़ता कैसे जा रहा था, पहले तो उन्होंने अपने तरफ से मेंबर्स भेजे काउंसिल बनाने के लिए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को वहां पे स्टैब्लिश किया। ये 1773 की बात है, 1784 पे अगर अपन आते हैं तो वहां पे आपने देखा कि वो गवर्नर जनरल को वापस बुलाने की पावर अपने पास रख ली है। ये सब चीज अपने को ये दिखा रहा है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट तो धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा था, ठीक है। तो अब अगर 1813 में अपन आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज उन्होंने क्या की, उन्होंने सबसे बड़ी चीज की है, सबसे पहले कि उन्होंने कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी उसका जो ट्रेड मोनोपोली था उसको हटा दिया उन्होंने, ठीक है। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब उनका जो हक था कि सिर्फ हम ही इस चीज पे ट्रेड कर पाएंगे, इंडिया के सामान इंडिया के वस्तुओं से हम ही ट्रेड कर पाएंगे, वो चीज उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खत्म कर दी। तो क्या है, मोनोपोली ओवर गुड्स, मतलब सामान के मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, एंडेड एक्सेप्ट, दो चीज को छोड़ के चाय पे जो ट्रेड चल रहा था उसको वो कंपनी अभी भी कर सकती थी, उस मोनोपोली था, दूसरी कंपनी नहीं आ सकती थी। और दूसरा ट्रेड विद चाइना, मतलब चाइना के साथ जो व्यापार था वो सिर्फ अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दोनों को छोड़ के बाकी हर चीजें मोनोपोली खत्म हो चुकी थी। मोनोपोली खत्म हो गई, इसका इनडायरेक्ट मतलब हमारा क्या निकल जाता है कि यहाँ जो ये ब्रिटेन है यहाँ से और भी कंपनीज आ जाती है इंडिया में,
ठीक है, इंडिया में और भी कंपनीज ट्रेड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वहां से आ सकती थी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना क्या है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पावरफुल लोग थे, जो मार्केट कैप्चर करके रखे हुए थे, वो लोग इन्फ्लुएंस करती है, वो लोग अपना पैसा या जो भी है पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करके उन्होंने ये एक्ट पास करवाया था। इसके कारण क्या है, उनकी कंपनीज को यहाँ से इंडिया आके व्यापार करने का उनको जो क्या बोलते हैं लाइसेंस मिल गया, एक तरीके से चार्टर मतलब वही होता है, लाइसेंस दिया गया इसको 20 साल के लिए दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1813 में जो सबसे बड़ी बात है वो चीज ये था कि 1 लाख रुपए जो है वो कंपनी को स्पेंड करने का डायरेक्शन दिया गया। ठीक है, 1 लाख टू स्पेंड बाय कंपनी फॉर एजुकेशन। इंडिया में एजुकेट करने के लिए 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर बोलिए या खर्च करने का जो भी है प्रावधान किया गया था कंपनी द्वारा। ठीक है, तो ये जो है एजुकेशनल रिफॉर्म में सबसे बड़ा स्टेप था। 1813 की सबसे बड़ी बात जो थी वो यही थी कि एजुकेशन के सेक्टर में 1 लाख रुपए जो था कंपनी द्वारा खर्च करना था। इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई थी, मैकॉले मेनेट होता है, वुड्स डिस्पैच होता है, फिर हंटर कमीशन होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो रेगुलर क्लासेस टाइम में बताऊंगा, बहुत जरूरी चीजें हैं वो सब। तो ये सब हुआ था, ये था 1813 के बारे में। ठीक है, 1833 में एक छोटी सी बात होती है, वो भी चलो बता ही देता हूं मैं आपको। एटीन थर्टीन में जो छोटी सी बात हुई थी उसमें मैं क्या करता हूं कि इतना आइटम को मिटा देता हूं। ठीक है, ये आइटम मैंने मिटा दिया। अब ये जो 1813 का था इसको भी मैं 1833 कर देता हूँ। मतलब जो चाय और ट्रेड विद चाइना का जो मोनोपोली था वो भी अब यहाँ पे खत्म कर दिया गया 1833 में। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक 1833 में खत्म कर दिया गया। उसके बाद एक और चीज हुई थी यहाँ पे, जो गवर्नर जनरल का मैंने आपको मेंबर बताया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, अब इसको और पावर दे दी गई, ये डायरेक्ट उनके अंडर में आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। जो इनकी काउंसिल वाली बात थी, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 3 हो गया था, अब चेंज होके क्या बना है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 4, इसको दोबारा 4 कर दिया गया। बस इतनी ही चीजें थी जो आपको जाननी थी 1833 के एक्ट में। बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी डिटेल में अपने को एक्सप्लेन करना होगा वो मैं आपको आगे रेगुलर लेक्चर्स में कर दूंगा। मैं आपको फिर से बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन का टाइम है, मैं आपको यही चीज बस बताना चाहता हूँ कि आप इतना पढ़िए कि आपको सामने वाले से बहस करने की क्षमता आ जाए। आप बहस, इंसान क्या होता है तभी कर पाता है जब उसके अंदर में नॉलेज होती है। तो आप इस लॉकडाउन खत्म होने तक अपने अंदर इतनी नॉलेज भर दीजिए कि आप किसी भी, कोई भी आपको आपके बोलता है कि हाँ इसके इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आप उनको ये चीज बता पाओ कि हाँ भाई ये चीज होता है, इस वजह से हमारा जो भी विकास हुआ है अभी तक हुआ है, ये सब आप उनको क्लियरली बता पाओ। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपको दूसरे को नीचे रखना है, अपने आप को ऊपर रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज फिर से विदा लेता हूँ आपसे। कल मैं मिलूंगा दोबारा इकोनॉमिक लेक्चर के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।